तो आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस के लिए पहली एक्सरसाइज हम लगाएंगे रिवर्स बाइसेप कर्ल्स। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है और बिगिनिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप ज़रूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में इसके आपने यार 12 से 15 रैप लगा देने हैं और उसके बाद हर बार वेट को बढ़ा देने हैं। तो पहली एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। पेन अभी भी है मेरी फोरआर्म में और इस टेंडन वाले एरिया में, क्योंकि आर्म रेसलिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो इसी वजह से पेन हट नहीं रहा है, लेकिन वर्कआउट लगाएंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज हम लगाएंगे केबल से आर्म रेसलिंग के पुल्स, और ठीक ठाक सा वेट रखेंगे, ज़्यादा वेट नहीं रखेंगे, 8 से 12 रेपिटेशन के लिए अपनी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे ही वेट रखेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो ये हमारा आखिरी सेट है और मेरे हाथ लिटरली कांप रहे हैं अंदर से, क्योंकि भाई कभी एक्सरसाइजेस लगाई नहीं है आर्म रेसलिंग की, और पहली बार मतलब वीडियोस में आपको बताता हूँ लेकिन एक्सरसाइज लगाने का टाइम नहीं मिलता, तो आज टाइम था और मैंने सोचा वीडियो भी बना ली जाए, और लिटरली हाथ कांप रहे हैं इस टाइम। तो चलिए आखिरी सेट शुरू करते हैं। तो भाई आर्म रेसलिंग का ये लास्ट वर्कआउट है, डंबल्स को होल्ड करके रखना मैक्सिमम टाइम तक, और इसके बाद वीडियो खत्म होगी। आर्म्स में बिल्कुल भाई जान नहीं है, तो देखते हैं कब तक होल्ड करके रखते हैं, और 9x16 में बना रहा हूँ वीडियो, ये शॉर्ट्स में भी अपलोड होगी। तो भाई पूरा प्रेशर आ रहा है, और पता लग रहा है अटेंडेंस को। ओह